ब्रजघाट से जल भरकर वापस लौट रहे शिव भक्तों की सेवा के लिए दिल्ली रोड पर जगह जगह भंडारे आयोजित किए गए हैं और जगह जगह पर शिव भक्तों के लिए आराम करने के लिए उपयुक्त जगह भी बनाई गई है, जहां पर पूजा अर्चना की जा रही है और लोग भंडारा भी चक रहे हैं। दिल्ली रोड पर इन दिनों हर तरफ भंडारों के पंडाल दिखाई दे रहे हैं और मुख्य मार्ग पर जल लेकर लौट रहे शिव भक्तों की सेवा करते हुए युवा दिखाई दे रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सावन के चौथे सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष ठाकुर राकेश सिंह और मुरादाबाद सदर ब्लॉक प्रमुख मनीष सिंह द्वारा शिव भक्तों की सेवा के लिए 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने आकर भंडारे का प्रसाद चखा और आराम भी किया। ठाकुर राकेश सिंह द्वारा कहा गया कि शिव भक्तों की सेवा भाव से हम हर वर्ष भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। हमारा ये भंडारा लगातार 3 दिन तक जारी रहता है। इस वर्ष भी दिल्ली रोड पर भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें शिव भक्त आ रहे हैं और भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। मकसद सिर्फ यही है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति हमें बताती है कि हमें मानवता की सेवा करनी चाहिए और हम वह सेवा कर भी रहे हैं। मुरादाबाद ब्लॉक प्रमुख मनीष सिंह द्वारा कहा गया कि महीना भगवान भोले शंकर के भक्तों का महीना है। शिव भक्त ब्रजघाट से कावड़ लेकर लौट रहे हैं, क्योंकि सोमवार को सभी शिव भक्त अपने अपने क्षेत्र के मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। ब्रजघाट से पैदल जल लेकर लौट रहे हैं, जो एक पुण्य का काम है। हम शिव भक्तों की सेवा के लिए यहाँ तत्पर हैं। भंडारे में शिव भक्त आ रहे हैं और भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। दिल्ली रोड पर लगे इस भंडारे में सैकड़ों की संख्या में शिव भक्तों ने आकर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया और भगवान भोले शंकर की जयकारे लगाए। आपको बताते चले कि पागबड़ा के धर्म प्रेमियों द्वारा लगातार अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया जाता रहा है। सावन का ये महीना भी हमें ये संदेश देता है कि हम सेवा करें और भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करें। जो लोग भोलेनाथ को याद करते हैं तो भगवान भोले शंकर भी उनका कल्याण जरूर करते हैं। आज का दिन खुशी का दिन है। युवा बड़ी संख्या में आकर भोले शंकर के भक्तों की सेवा कर रहे हैं और उनके भंडारों का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं।